Yes, class. Hello, everyone. Hope so all are you good class, and hope so you all are healthy and your family safe from COVID-19. And class, please don't worry. We have to need to hard study, है ना? हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है. So class, please, please do hard study. Because you know that knowledge is everything. If you have knowledge, then you can do any things. If you haven't any knowledge, any topics or any kinds of things, then you are unable to do this. So class, please focus on your study. Whatever problem kitni bhi aaye, but jo hota hai, aap jo hai स्टडी पे फोकस करें, है ना? प्रॉब्लम तो आता रहेगा और जाता रहेगा, बट क्लास इट्स अ इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर यू, है ना? इट्स अ 10th क्लास फॉर यू, सो प्लीज स्टडी, है ना? वॉट एवर टाइम यू आर सेविंग, जो भी टाइम आपको मिलता है वीडियो देख कर करके, फोन कॉल कर करके, जैसे जो होता है आप समझ सकते हैं, जस्ट यू कैन डू इट, है ना? वॉट एवर 1 hour 2 hours, 3 hours, whatever, है ना, time you want, you can just give on your study. And जितना आपको समय मिले, जैसा समय मिले आप पढ़ें, है ना? जैसा समय मतलब कि as you are feeling, है ना? जैसा आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी इच्छा हो, you can do it. So class, let us start our next topic, that is the quadratic equations. Quadratic equations का टॉपिक हमें शुरू करना है क्लास, और इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट, और इससे कम से कम जो होता है क्लास आपके एग्जाम में 4-5 मार्क्स का एक क्वेश्चंस तो रहता है, है ना? एक क्वेश्चंस जो फर्स्ट टाइप्स का है आइडेंटिफाई, और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चंस होता है, एंड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, लगभग क्लास 7-8 से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, 8 से 10. तो लेटेस्ट क्लास, इफ यू वांट टू 8 to 10 मार्क्स, देन यू कैन सॉल्व इट. सॉरी क्लास, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस. बहुत सारे जो होते हैं चीज हमने पहले ही बता रखा है, जैसे कि आप जो होता है पॉलीनोमियल्स में जब आप पढ़ रहे थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, दीज ऑल थिंग्स आई हैव सॉल्वड इट. बट जो होता है, है ना, अभी यहां से फिर से जो होता है डिस्कस करेंगे, ax2 + bx + c = 0. ये जो फॉर्मेट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्पेशल फॉर्मेट है, है ना? इट्स नोन एज अ स्पेशल फॉर्मेट, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट, है ना? इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट. देन क्लास, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये देखो, पूरे इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बोलते हैं क्लास, बट ये जो होता है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म. इसमें यही एक टर्म है जो कि क्वाड्रेटिक टर्म है क्लास, अदरवाइज ये कौन सा है? लीनियर टर्म, है ना? ये क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म. ये कांस्टेंट टर्म, ये लीनियर टर्म, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक टर्म्स जो होते हैं, है ना, यही ये जिसके साथ भी लग जाते हैं, है ना, ऑन विच इक्वेशंस, है ना, दिस टर्म विल मर्ज, दैट्स मेक अ क्वाड्रेटिक, ठीक है ना? जिसके साथ जो हाईएस्ट डिग्री होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्लास, दैट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज 2, है ना? इफ इट इज नॉट, है ना, अगर ये नहीं है तो देखो इसकी फॉर्मेट ऐसे ax + bx = 0,
ये भी हो सकता है। एक ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा टाइप का एक्स स्क्वायर एक्स, ये जो होता है हमारा थर्ड हो गया, ये थर्ड का। तो देखो ये फर्स्ट सेकेंड है ना और थर्ड, ये तीनों इसके जो होते हैं पार्ट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, है ना। बहुत जो होता है इफ दिस पार्ट दिस क्वाड्रेटिक टर्म है ना रिमूव फ्रॉम दिस इक्वेशंस, इफ वी विल रिमूव देन व्हाट एवर व्हाट आर लेफ्ट दिस दिस इज द लीनियर इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशंस, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस कहेंगे, है ना। सो इट्स अ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें क्वाड्रेटिक पार्ट केवल और केवल एक ही है जो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाता है, अदरवाइज देयर इज नो एनी मोर टर्म्स टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो तो ऐसे ही बनेगा और यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। क्लास देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है इसको आप जो होता है चेक करोगे कि कैसे है। ऐसे अगर जो शुरू में जो होता है अगर देखते हैं हम लोग तो क्या है, व्हाट इज, ये तो मुझे लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है, है ना। तो फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व इट, फर्स्ट क्वेश्चन ये क्वाड्रेटिक एक्स प्लस वन होल स्क्वायर टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स दिस वन। उसके बाद में फिर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स प्लस, नाउ विल ऑल द टर्म्स है ना विल टेक दिस साइड माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, विल साइन चेंज, साइन विल बी चेंज, है ना, साइन चेंज होता है जब इधर से इधर आता है प्लस, देन व्हाट हैपन एक्स स्क्वायर प्लस दिस वन सेवन इक्वल टू जीरो, है ना दिस। अब देखो यहां पे क्या है, कांस्टेंट टर्म तो है बट बीच का टर्म बी एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है ना प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्लास सी भी है बी एक्स ये नहीं है, ये है ना, तो ये है। तो व्हाट आई टोल्ड यू कि इफ क्वाड्रेटिक टर्म इज प्रेजेंट ना इन एनी इक्वेशंस देन इट विल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि इफ द क्वाड्रेटिक टर्म विल प्रेजेंट है ना इन अ इक्वेशंस then it's quadratic equations. If quadratic term will, अब suppose करो कि ये दोनों में से कोई नहीं भी है तो doesn't matter. But ये होना जरूरी है quadratic term के लिए, है ना class? Now the second one, next example देख लेता हूँ, x square minus 2x क्या हो गया minus 6 और प्लस टू एक्स, क्लास अब यहां पर एक्स स्क्वायर ऑल टर्म विल बी कम दिस साइड माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, दिस विल बी एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये तो इसमें तो सारे टर्म है ही क्लास, सो वी कैन से दैट कि इट्स क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है ही, इसको कहने में कोई झिझक ही नहीं है क्लास, है ना, वी हैवंट एनी काइंड्स ऑफ अ डाउट कि इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ थर्ड इज दैट थर्ड क्वेश्चंस व्हाट इट इज सेइंग दैट, देखो थर्ड क्वेश्चंस में हमें कह रहा है कि ये एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू और
इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 3x माइनस 3 है ना। अब देखो ये और ये कट गया बाजी, दैट इज द माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू माइनस, यहां से कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। अब ये कितना हो गया प्लस 2x प्लस x, इसको इधर भेज रहा हूं माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये कितना हो गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशंस, ये कैसा इक्वेशन हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशंस हो गए क्लास, देखो यहां पे यहां तो लग रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बट नॉट एक्स, क्वाड्रेटिक टर्म जो था हमारा जो मेन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो बना रहा था वही टर्म को ये क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, वो टर्म एलिमिनेट हो गया। अब वही टर्म एलिमिनेट हो गया क्लास, देन वर्ड वी विल से दैट इट्स अ लीनियर इक्वेशंस नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो लेट अस चेक द नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज द एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसमें जो होता है कोई भी बच्चा देखते के साथ कर देगा कि ये तो है नहीं सर, ये तो क्यूबिक इक्वेशंस है ना, लेकिन पहले देख तो लें कि ये क्यूबिक इक्वेशंस है ये या नहीं है क्लास। फर्स्ट 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब 3 का होल क्यूब, और इसको क्या लिखें 3x2 इंटू एक्स माइनस 2 दिस वन सॉरी ये एक्स क्यूब। अब ये देखो सेम है तो ये और ये दोनों कट गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये माइनस 8 माइनस 8 माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 टू जा माइनस माइनस 4x 4x दैट इज। अब ये क्या हो गया क्लास, ये सारे को इधर ले माइनस 4 या फिर इन सब को उधर भेज दो, तो माइनस 8 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, और ये कितना हो गया 4x है तो 5x है ना, और ये कितना हो गया 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब बता पहले से तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट टाइम्स यू हैव थिंकिंग दैट कि इट्स अ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, इट्स अ क्यूबिक इक्वेशंस। फर्स्ट थिंग what types of thinking come in our minds, that is the it's not a quadratic equation, it's a cubic equation. Now what we have get, that's a quadratic equation. So class as a perceptions we can't say that ki it's a quadratic equations or a cubic equations, first solve it hai na, and after that you will एनालिसिस की what kinds of the equation is that is the linear or cubic है ना। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड इज दैट कि वी हैव टू नीड टू सॉल्व फर्स्ट, आफ्टर दैट वी विल टेक द डिसीजंस। ओके क्लास, सो नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्लास। क्लास नाउ दिस सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस के सिचुएशंस आपके कोई भी दिए रहते हैं एंड हाउ यू कैन सच काइंड्स ऑफ अ सिचुएशंस एक्सप्रेस इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स है ना इज वन मोर देन ट्वाइस है ना इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स breadth, we need to find the
लेंथ एंड ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, है ना। इसलिए वो फाइंड करना है, बट जो होता है केवल रिप्रेजेंट करना है, बाद में मैं करने के लिए भी सिखा दूंगा। तो फर्स्ट क्लास लेट लेट लेंथ सॉरी ब्रेथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल बी एक्स। तो क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इन मीटर, वन मोर देन द ट्वाइस, है ना, ट्वाइस से वन मोर देन, ट्वाइस वन मोर देन, है ना, ट्वाइस वन मोर देन। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, नीड टू फाइंड कर रहा है क्लास, है ना। तो ऐसे सिचुएशंस को हाउ यू कैन, दैट एरिया इक्वल टू एल इनटू बी, एरिया हमारे पास 528 दे रखा है क्लास, और ये हो गया लेंथ 2x प्लस 1 इक्वल टू इनटू x, एंड 528 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। नाउ इट्स अ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, दिस इज, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है इसका, इक्वेशंस का। नाउ इफ यू वांट टू सॉल्व इट, है ना, यू कैन सॉल्व आल्सो, है ना, आप सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर लो, फैक्टराइज करने कर करके करना चाहते हो फैक्टराइज करके कर लो, या फिर जो होता है आगे जो भी मेथड मैं बताऊंगा वैसे। बट क्लास जस्ट नाउ इट इज सेइंग दैट टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन, सो आई हैव जस्ट रिप्रेजेंट द सिचुएशन, डजंट मैटर। नाउ वी विल लुक नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, वॉट आर इंटीजर, यू वेल नो अबाउट दिस, you have I have already explained ki what is the integers, hai na, so class you will know about the let if one integers be x, hai na, then other integers be x plus 1, ये दूसरा x plus 1। अब ये देखो तो क्या कहता है, what is that is the product of, तो सिंपल सी बात है ना, x plus 1 equal to 306 plus now x square plus x है ना equal to 306, now next is x प्लस एक्स माइनस 306 0, ये है आपका जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, इट्स ओनली सिचुएशंस टू रिप्रेजेंट द इक्वेशंस, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्यूशंस की तरफ की, हाउ वी कैन सॉल्व इट क्लास। देखो अब जो होता है हम लोग सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व, इसके सॉल्यूशंस का नाम होता है ना, ये जो एक्स की वैल्यू जो आएगा उसको अल्फा एंड बीटा बोलते हैं, है ना। इसके जो एक्स की वैल्यू आएगा क्या होता है, एक्स का वैल्यू है ना, देखो अगर मैं सपोज दैट इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास, देन अल्फा इफ अल्फा इज द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, है ना, इक्वेशंस, देन क्या हो सकता है, ये जो होता है इफ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ना इन द प्लेस ऑफ अल्फा प्लस सी विल गिव 0, ये अगर वैल्यू 0 देने लगा क्लास, देन इट्स अ सॉल्यूशंस।
सपोज यहाँ पे जो होता है एक्स है, एक्स का ऐसा क्या वैल्यू रखूं कि ये जीरो दे दे, है ना। टू एक्स टू इंटू वन माइनस वन, देन देखो क्या हो गया, थ्री इंटू वन माइनस टू माइनस वन, अब ये हो गया थ्री माइनस टू माइनस वन, अब ये कितना हो गया, थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। देखो मैं अपने मन से कोई भी वैल्यू लिया था, यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा था कि ये वैल्यू है या ये है, मैंने कोई ऐसे ही एक वैल्यू रखा और ये जीरो दे दिया। तो आप जब सॉल्व करोगे ना, है ना, देन यू विल डेफिनेटली गेट अ वन एक्स वैल्यू, दैट इज द वन। जैसे कि देखो सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, है ना। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, थ्री इंटू वन यही हो गया ना। अब ये जो होता है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ टू एक्स लाना है, तो टू यहाँ पे टू एक्स, तो थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ऐसा करेंगे तभी आएगा, इसके प्रोडक्ट के इक्वल होना। तो थ्री थ्री कॉमन, थ्री एक्स एक्स माइनस वन प्लस वन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब देखो थ्री एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, है ना। अब यहाँ पे आइदर और, आइदर क्या हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और ये कितना हो गया, थ्री एक्स इक्वल टू माइनस वन, और एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वन अपॉन थ्री। एक तो ये हो गया, और में कर लेंगे आइदर के और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, देखो एक्स की वैल्यू वन, ये और ये। तो आप व्हेन यू विल पुट दिस एंड दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशंस, देन गिव इट्स अ जीरो, ये जो होता है जीरो दे देगा। अगर इस इक्वेशंस में आप पुट करते हो, या तो आप ये वैल्यू पुट करो या ये वैल्यू, दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको जीरो आएगा। अब जैसे कि देखो वन तो क्लास वन आई हैव ऑलरेडी पुट इट, है ना, मैंने वन तो ऑलरेडी पुट कर दिया। अब माइनस थ्री इसमें पुट करके देखते हैं कि ये इसकी सॉल्यूशन है या नहीं क्लास। सो लेट अस वी विल पुट माइनस वन अपॉन थ्री इन द इक्वेशन। देखो ये एल एच एस साइड होता है इक्वेशंस का और ये आर एच एस, ठीक है ना क्लास। तो वी विल टेक फ्रॉम एल एच एस, है ना, एल एच एस दैट इज द थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, और एक्स का वैल्यू मैं ये ले रहा हूँ, एक्स में थ्री इंटू माइनस वन अपॉन थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस टू इंटू माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन, देखता हूँ जीरो आता है या नहीं। जीरो, इफ वी विल गॉट द जीरो देन दिस आंसर विल राइट, अदर वे रॉन्ग। थ्री इंटू वन अपॉन नाइन, ये माइनस वन प्लस, ये हो गया क्लास टू अपॉन थ्री माइनस वन, अब ये थ्री थ्री जा नाइन, वन अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री माइनस वन एलसीएम थ्री, और ये कितना हो गया क्लास वन प्लस टू माइनस थ्री, अब ये कितना हो गया, थ्री माइनस थ्री अपॉन थ्री, दैट इज द जीरो अपॉन थ्री जीरो, ये हमारे पास जो होता है जीरो आ गया, है ना। तो जीरो, ये जो जीरो है क्लास, है ना, जीरो आया आर एच एस में या नहीं। ऑब्वियसली यू कैन से दैट कि आया, आ गया हमारा। सो क्लास वी कैन से दैट कि अल्फा इक्वल टू माइनस वन, सॉरी प्लस वन, और बीटा इक्वल टू बीटा, जो है इसका जो दो वैल्यू आने, डिग्री टू है तो दो इक्वेशन, दो सॉल्यूशंस होगा, तो ये हो गया, एंड बीटा इक्वल टू माइनस थ्री। और क्लास इट्स नॉट अ रिस्ट्रिक्शन कि यही हमारा अल्फा होगा, ये बीटा भी हो सकता है, बीटा इक्वल टू वन और बीटा अल्फा इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, दोनों में एक्सचेंज हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्फा इसको, ये तो सपोजिशन है क्लास। सो जो आपको पसंद है, अल्फा को अल्फा कह सकते हैं, बीटा को बीटा, बीटा को
मतलब जो एक्सचेंज कर सकते हैं यू कैन से दैट, है ना, नथिंग मैटर कि ये जो होता है वगैरह। चलो एक दो क्वेश्चंस और लेकर करके मैं फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करूंगा, है ना। ये तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जीरोस, तो ये है अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा की कहानी कि अल्फा, इफ अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देन इट विल गिव्स द जीरो, जीरोस देगा श्योर। अब देखो ये है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो, ये जो होता है दो ये इक्वेशंस है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, फैक्टराइजेशन कैसे करते थे, फाइव इंटू टू, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, देखो पॉजिटिव में है, है ना। मैंने फैक्टराइजेशन बिल्कुल दोबारा तीसरा बार मैं करवा चुका हूं, सो क्लास आप ध्यान दो, अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज रिमाइंड मी, मैं फिर से जो होता है समझाने का कोशिश करूंगा, बट जो होता है आप करो, मेहनत करोगे तभी होगा, अदरवाइज तो नथिंग। देखो x कॉमन x माइनस फाइव प्लस टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू और x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। अब यहां से आइदर आइदर x प्लस टू इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू माइनस टू, और में x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू फाइव, ये और ये जो होता है ना आ गया आपका वैल्यू। यू वॉन्ट टू चेक इट, चेक कर लेते हैं, है ना। इसमें एल एच एस साइड में हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन को में कोई सा वैल्यू रख लो, पहले ये रख लेता हूँ माइनस टू, एक्स का वैल्यू माइनस टू ये रख रहा हूँ इसमें, और चेक करता हूँ कि जीरो आता है या नहीं आता है, है ना। जीरो आ जाना चाहिए अगर हम लोग इसमें खुले, माइनस थ्री इंटू माइनस टू माइनस टेन, और ये क्या आ गया प्लस टू टू जा फोर, है ना, माइनस माइनस प्लस सिक्स माइनस टेन। अब ये देखो टेन माइनस टेन दैट इज द जीरो, ये आ गया, चेक हो गया। फाइव रख लो, एक्स का वैल्यू फाइव रख लो, तो फाइव का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू फाइव माइनस टेन, तो ये कितना हो गया ट्वेंटी फाइव, और ये फिफ्टीन माइनस टेन, और ये कितना हो गया ट्वेंटी फाइव माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू जीरो, है ना। तो क्लास योर अल्फा यू कैन से अल्फा इक्वल टू माइनस टू बीटा इक्वल टू फाइव, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही बोले, है ना, और भी आप बोल सकते हो, दोनों में एक्सचेंज कर करके बोल सकते हो कि ये अल्फा है ये बीटा है, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं रखता। क्लास नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, अब ये देखो फैक्टराइज करेंगे तो सिक्स इंटू टू थ्री इंटू टू इंटू टू, यहाँ पे एक्स ही, तो क्लास टू एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस कितना हो गया फोर एक्स माइनस थ्री एक्स, वन आ गया क्लास, माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। देखो फोर एक्स में से थ्री एक्स गया, तो अब ये क्या हो गया टू एक्स कॉमन एक्स प्लस टू, और ये माइनस थ्री कॉमन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब ये आइदर और का केस हो गया, आइदर टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, टू एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री अपॉन टू, और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, और एक्स इक्वल टू माइनस टू, ये आ गया प्लस। ये एक्स और वाई की वैल्यू, सॉरी एक्स का दोनों वैल्यू आ गया हमारे पास। इफ यू वॉन्ट टू चेक इट, है ना, चेक कर लीजिए कि हमने क्वेश्चन सही करा। एक्स की वैल्यू थ्री अपॉन टू, वी विल पुट टू इंटू एल एच एस साइड, है ना, टू इंटू थ्री अपॉन टू
होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 6, 2 इंटू 9 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 6, 2 2 जा 4 प्लस नाउ 9 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 6 2 9 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 12 माइनस 12 अपॉन 2 एंड 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0 वी आर फॉर 0। अब आप इसमें जो होता है एक वैल्यू तो आप रख करके टेस्ट करना और मुझे बताना कि 0 आ रहा है या नहीं इन द कमेंट बॉक्स, है ना, क्योंकि आप भी थोड़ा सा चेक कर लो कि हमने सही करा है या नहीं करा है क्लास। सो डेफिनेटली यू हैव अंडरस्टैंडेड क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।